हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? से उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। मलेशिया वुमेंस वर्सेस नेपाल वुमेंस के बीच में जो ये फर्स्ट T20 का मैच कवर कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ हमारे टीम कॉम्बिनेशन स्मॉल लिस्ट के लिए रहेंगे और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लिस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और हमने ऐसा दोनों ही टीमों की ओर से दोस्तों काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर आपको लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स इस मैच में भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से स्मॉल लिस्ट के साथ साथ मिनी जीएल और आप सभी को ग्रैंडिक्स भी विन करा कर देंगे। और साथ ही जानेंगे किस प्लेयर को हमें यहाँ से स्मॉल लिस्ट के टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को हमें यहाँ से ग्रैंड लिस्ट के कॉम्बिनेशन में ट्राई करना है, विद जो भी हमारे कैप्टन या वाइस कप्तान के लिए डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे, हम उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। और आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले जो कुछ भी हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगी सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। और आप सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे फैंटेसी क्रिक फैन के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि देखो ऑफिशियली प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के बाद अगर हमारे टीम में जो कुछ भी चेंजेस होंगे सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे लिंक मिलेगा ना उसी लिंक पर टैप करोगे तो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। और दोस्तों जुड़ने के बाद मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक चैनल पर एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी हमारा अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो ऑफिशियली प्लेइंग 11 हो गया या फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन या फिर जो भी हमारी टीम में होंगी चेंजेस, वो उसके अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे। जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैच रहेगा ना मलेशिया वुमेंस वर्सेस नेपाल वुमेंस के बीच में, ये पहला T20 का मैच है जो आपको ये 8:30 बजे करीब में UKM वाइस टी क्रिकेट ओवल पर मैच नज़र आएंगे, जिनकी एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो 120 से 150 के आसपास में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। पिच की अगर हम बात करें तो पिच एक तरह से बॉलिंग को अच्छे खासे वेन्यू पर अच्छे खासे हेल्प मिली, और ये चीज़ें हम रिसेंट के मैच कुछ इस वेन्यू पर खेलेंगे वहाँ पर ये देखने को मिला, तो बॉलर्स वैसे भी हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर जो इनकी वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न है, रिसेंट के 21 मुकाबले में बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने 12 बार विन किए, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 9 बार विन किए, फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 96 का, जहाँ पर सेकेंड इनिंग आपको 73 का, जहाँ पर टोटल हाइस्ट स्कोर 230 पे 4 विकेट, लोएस्ट स्कोर 30 पे 10 विकेट आपको नजर आएंगे। ये दोस्तों इनकी वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न हो गया। बाकी हमारे टेलीग्राम से अभी तक बहुत कम लोग जुड़े, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, फाइनल टीम आपको इसी चैनल पर अपडेट्स कर देंगे। अब देखोगे तो मलेशिया की टीम की ओर से यहाँ पर ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगी दुराय सिंघम नजर आएंगे, जो टीम की ये कैप्टनसी कर रहे राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम दोस्तों ये बॉलिंग कराते हैं। T20 46 मैचेस टोटल इन्होंने 1683 रन, 17 का औसत और टोटल 31 विकटें इनके नाम है, जहाँ पे ये एक डिसेंट पिक बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करके देंगी। हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 227 रन, 19 का एवरेज और 1 विकेट इनका रहा था। और ऐसे भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो 4 का स्कोर विकेटलेस, 29+1 विकेट, इस तरह से इन्होंने एक बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराई, टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग कराते हुए नजर आएंगे। और एज अ प्लेयर के साथ साथ आप इन्हें ग्रैंड लीग के भी 2 से 3 टीमों में कैप्टन और वाइस कैप्टन करके जाना। फिलहाल अगर आप स्मॉली की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर एज अ प्लेयर ही इनको पिक करना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वान जूलिया नजर आएंगे, जो विकेट कीपिंग कराते हुए उस टीम की ओर से देखेंगे। राइट हैंडर बैट्समैन T20 के 42 मैचेस टोटल इन्होंने 42 मैच में टोटल 500 रन, 13 का एवरेज है। टोटल दोस्तों हेड टू हेड के इन्होंने भी 3 मैचों में 9 रन, 13 का एवरेज। और आपको रिसेंट फॉर्म जो नज़र आएंगे, 7-22-1-0, इससे पहले 9-11-23-13-30 का स्कोर था। वैसे भी आपको प्लस बैटिंग विकेट कीपिंग भी करके देंगे, रिस्क लेना हो तो फर्स्टिंग में टीम बैटिंग कराएंगी, तो आप इन्हें ट्राई करके जाना, वरना आप इन्हें ऐसा ग्रैंड लीग की टीम्स में ही रखो। बाकी यहाँ पर जो दोस्तों मार्स एलिसा की अगर हम बात करें, फॉर्म देखो तो राइट हैंडर बैट्समैन, लेग ब्रेकर गुगली बॉलिंग है इनका, और टोटल 48 मैचेस में 754 रन, 19 का एवरेज और 26 विकेट। हेड टू हेड के 3 मैचों में 29 रन, 10 का औसत विकेटलेस रहे, पर इस रीज के अंदर खेले गए मैच में कुछ खास बढ़िया इनका फॉर्म है नहीं। 18-14 इससे पहले 11-0 और 5 का स्कोर दोस्तों, और यहाँ से ये खेलते भी हैं तो अभी ये हम इन्हें ग्रैंड लीग की टीम्स में ही पिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो नाजवा नज़र आएंगे ना, विकेट कीपिंग कराती हैं, और T20s के 12 मैचेस टोटल 31 रन, 8 का औसत दिए आपको विकेट कीपिंग कराते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म इन्होंने 3-0-5-17 का स्कोर है, कुछ खास बढ़िया एवरेज फॉर्म है नहीं, मिड ऑर्डर बैटिंग है, आप इन्हें ग्रैंड लिस्ट की टीम्स में ही रखो। बाकी यहाँ पर जो माहिरा इस्माइल नज़र आएंगे ना, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, 23 मैचेस टोटल 68 रन और 18 विकेट थे।
जहाँ पे हेड टू हेड के एक मैचों में सिर्फ 2 रन, 2 का एवरेज और रिसेंट फॉर्म देखो तो 2 विकेटे 1 विकेटे 2 विकेटे, एक विकेट टेकर्स बेहतरीन है दोस्तों। और आप एज अ प्लेयर इनको नहीं बल्कि कैप्टन वगैरह भी ग्रैंडिस के टीम्स में रख सकते हो, और अभी हम एज अ प्लेयर इनको अपनी टीम से पिक करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमेज नज़र आएंगे ना, अगर आप इनकी फॉर्म देखो तो राइट हैंड मीडियम फास्ट ये बॉलिंग है, 47 मैच में इनको 23 विकेटे मिले, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, रिसेंट फॉर्म 1 विकेटे 5 विकेटे 2 विकेटे 1 विकेटे, और इस मैच में खेलते हुए अभी हम इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर्स को रखेंगे और फर्स्ट में टीम इनकी बॉलिंग कराएंगी तो फिर हम दोनों के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो धनसोरी नज़र आएंगे ना सीरीज के अंदर, गैसोरी इन्होंने अपने T20s के 5 मैचों में सिर्फ इनको 3 ही विकेटे मिले, और कुछ रिसेंट फॉर्म जहाँ पर विकेटलेस रहे पर 3 विकेटे भी निकाले, वैसे भी ये खेलते भी हैं, तो अभी यहाँ से इनको हम ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में ही पिक करेंगे। नताशा अगर हम देखें फॉर्म तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, 40 मैच में 21 विकेटे इनको मिले, रिसेंट फॉर्म 3 और 9 का स्कोर, बॉलिंग इन्होंने कराने पर हेड टू हेड के 3 मैचों में विकेटलेस रहे, तो ये अगर देखो तो कभी कभार 1 से 2 विकेट बॉलिंग करा लेंगे, नहीं भी कराएंगे, अभी इनको आप ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में ही रखो। और जो यहाँ पर यूसरीना भी नज़र आएंगे तो ग्रैंड लिस्ट सेफ है, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए रिकॉर्ड रहा नहीं, अभी ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में पिक करेंगे। बाकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो आयशा या फिर अगर आप चाहो तो नोट में से किसी एक को पिक करना। अगर आप देखो तो यहाँ पर जिस तरह से आयशा का फॉर्म है 20 मैचेस 16 विकेटे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेटे 2 विकेटे, विकेटलेस रहे 1 विकेटे, ये आपको एक एवरेज विकेट टेकर नज़र आएंगे जो 1 से 2 विकेटे निकाल कर देंगे। और जो नूर का फॉर्म है 22 मैचों में 17 विकेटे इनके भी रहा था, जहाँ पर रिसेंट फॉर्म 1 विकेटे 1 विकेटे 2 विकेटे, तो आप इन दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को ट्राई करें ना। बाकी बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलते हैं इनकी सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पर टीम देंगे, जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम हमारे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो नेपाल की टीम है दोस्तों, इनकी टीम की ओर से विंदु ने ओपनिंग बैटिंग करवाया लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, और T20s के 13 मैचों में 131 रन, 16 का औसत, रिसेंट फॉर्म देखो तो 30 10 1 18 7 और 60 और 46 का स्कोर एक बड़ा स्कोर था इनका। ओपनिंग बैटिंग अगर आप चाहो तो एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में ट्राई कर सकते हो, पर मेरे रिकमेंड्स अगर फर्स्टिंग में टीम बैटिंग करती है तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी, आप इनको कोशिश करना फर्स्टिंग में टीम बैटिंग करती है तो ही ट्राई करके जाओ। सीता राणा दोस्तों कैप्टन है, वाइस कप्तान के भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग है, 30 मैचेस 507 रन, 21 का एवरेज और 31 विकेटे था दोस्तों, जहां पे एक डिसेंट भी बॉलिंग बैटिंग करके देंगे, हेड टू हेड के 3 मैचों में 88 रन, 29 का औसत और 2 विकेटे, तो हेड टू हेड स्टैट्स भी ठीक ठाक है। रिसेंट फॉर्म जो 2022 और 2023 में खेलेगा इनका फॉर्म देखो तो जहां पे एक अच्छे खासे टच में चलिए तो ज़रूर से ट्राई करना, ग्रैंड लीग के 2 से 4 टीमों में इनको कैप्टन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो इंदू नजर आएंगे ना दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग, ये भी एक टीम के हमारे सेफ ऑलराउंडर्स रहेंगे, 30 मैचेस टोटल 339 रन, 17 का औसत और 10 विकेटे, और हेड टू हेड के 3 मैचों में 120 रन, 1 विकेटे, जहाँ पे एक रिसेंट फॉर्म अच्छे खासे फॉर्म में ही नजर आएंगे दोस्तों, ज़रूर से ट्राई करना। रिसेंट फॉर्म 51 7 का स्कोर, 1 विकेटे 18+1 विकेटे, इस तरह से इन्होंने बॉलिंग बैटिंग कराया तो अभी एज अ प्लेयर इनको अपने टीम से पिक करके चलेंगे। काजल जो विकेट कीपिंग कराती है, राइट हैंडर बैट्समैन, 24 मैचेस 190 रन, 10 का एवरेज और हेड टू हेड के 2 मैचों में 22 रन, 11 का एवरेज था। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो 6 22 40 29 का स्कोर है, विकेट्स की इवनिंग है, पर ये आपको ज़्यादातर सेफ हो तो ग्रैंड लिस्ट के रहेंगी, और वैसे भी फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे तो ज़रूर से अपने टीम्स में रिस्क ले सकते हो। रुबीना अगर छेत्री की बात करें तो टीम की कैप्टनसी कर, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, 32 मैचेस 359 रन, 22 का एवरेज, 23 विकेटे, जहाँ पे हेड टू हेड फॉर्म 3 मैचेस में 53 रन, 53 का औसत और 1 विकेटे था। रिसेंट फॉर्म जो 2023 के अंदर खेलेगा, अगर आप इनकी फॉर्म देखो तो लास्ट के मैच विकेटलेस पर 13+1 विकेटे, 32+5 विकेटे, इस तरह से इन्होंने बॉलिंग बैटिंग कराकर आ रही है, तो अपने टीम्स के साथ साथ कैप्टन वगैरह भी ग्रैंड लिस्ट के जो 2 से 4 टीमों में करके जाना। बाकी जो ममता चौधरी है दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग, थोड़ी सी मिडल ऑर्डर इनकी बैटिंग है, रिसेंट फॉर्म 21 3 4 26 का स्कोर है, कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच गया नहीं, T20s में ज़्यादातर ये फ्लॉप ही है, अगर आप इन्हें चाहो तो ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में रखो। बाकी कविता जोशी दोस्तों, ये एक अच्छे खासे ऑप्शन रह सकती हैं, रीजन बॉलिंग बैटिंग कराती हैं, T20s के 13 मैचेस में 38 रन, 19 का एवरेज, 2 विकेट, और आपको टीम्स में रिस्क लेना होगा तो ज़रूर से ट्राई करना, जो 2 से 3 ओवर आपको बॉलिंग कराते हो इस मैच में दिखेंगी आपको। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो आप सारी नज़र आएंगे ना देखोगे तो 21 मैचेस में विकेटलेस रहे, पर ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच रहे नहीं, पर हेड टू हेड के भी 1 मैचों में सिर्फ इन्होंने 1 ही रन का स्कोर, बॉलिंग कभी कभार कराते हैं, रिसेंट फॉर्म 10 का स्कोर विकेटलेस 19 का स्कोर विकेटलेस, 4 का स्कोर 3 विकेट, वैसे भी देखो तो ये ज़्यादातर ये ग्रैंड लिस्ट के ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी स्मॉलिंग हम इनको रखेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो कविता कुंवर की अगर हम बात करें, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, 29 मैचों में 26 विकेटें,
रिसेंट फॉर्म, विकेटलेस। अगर आप इनकी फॉर्म देखो तो हेड टू हेड के 3 मैचों में 3 विकेट एज अ ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में रिस्क ट्राई कीजिएगा, बाकी हम स्मॉलिंग में तो अभी रखेंगे नहीं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आसमिना नजर आएंगे ना, अगर आप इनकी फॉर्म देखो तो राइट एंड मीडियम बॉलिंग 10 मैचों में 10 विकेट। एक ही हमारे टीम के मेन बॉलिंग रह सकती है और संगीता रॉय, अगर आप चाहो तो इनको भी ट्राई करना, 10 मैचों में 12 विकेट और ब्रेकर बॉलिंग रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, तो ये दोनों ही हमारे लिए टीम के मेन बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। और बेंच प्लेयर्स है जो भी प्लेयर यहाँ से दोस्तों खेलती हैं, सारे के सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे टीम देंगे, जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाएगा। अभी दोस्तों हम चलते हैं अपनी अपनी टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च के बाद टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखे, अगर आपको चेंजेस करना हो तो अपने लिक्स वेसेस पे खुद की टीम्स में अपडेट्स करना। मेरे हिसाब से मेरी स्मॉली काफ़ी सेफ टीम है, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट सीता राणा स्मॉली कैप्टन रहेंगे, छेत्री इज अ वाइस कप्तान के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपके पास अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के साथ रिस्क ले सकते हो। फिलहाल हम सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें, पर फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी कैसा गेम चेंजर ये ऑप्शन रह सकते हैं कैप्टन वगैरह ग्रैंड लीग के टीम्स में, ज़रूर से ट्राई करना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जुड़ना मत भूलिएगा।